जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो हरि हंतानम नमो सिद्धानम नमो हरियानम नमो वज्रायानम नमो लोय समसाहूनम वंदित सब सिद्धि दोम चल मनोभवंगयं पते बोच्छामि समय पाहु निर्माशु केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्यां चकास्ते चेष्टो भावाय भावाय सर्वभावांतर समय शाली परमा गंभीराजमान इसमें छठी गाथा में आत्मा का स्वरूप बताया। आत्मा के बारे में दो प्रॉब्लम है कि जैसा है वैसा कह नहीं सकते और जैसा कह सकते हैं वैसा आत्मा नहीं। प्रॉब्लम समझाई? सबसे टिपिकल प्रॉब्लम है कि आत्मा जैसा है वैसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा फीलिंग है, फीलिंग अनुभूति है। बहुत सिंपल बात है, रसगुल्ला खा सकते हो, रसगुल्ले की फीलिंग कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आप रसगुल्ले के बारे वर्णन करके बताइए। आप ऐसा वर्णन करिए जिससे सबको अनुभव हो जाए। छठी गाथा में कहा ज्ञात वो तो वो ही है, उसका वर्णन हो चुका है, हमारे पिछली स्वाध्याय में, इसलिए नहीं कर रहे। हमें सातवीं गाथा ले रहे हैं यहाँ, तो सातवीं गाथा में ही वो सारी बातें आएंगी जिस पे ऊपर सर आठवीं गाथा है। क्या कह रहे हैं देखो, अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पर के साथ गृह ज्ञात संबंधी जब व्यवहार होने से अशुद्धि का जनक है। क्या बोले? पर के साथ गृह ज्ञात संबंध ये अशुद्धि का जनक है। समझाता हूँ, तब तो विकल्पोत्पादक गुण भेद भी व्यवहार होने से अशुद्धि का ही जनक होगा। ऐसी स्थिति में आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा कहना भी असत्यार्थ होगा। समझाता हूँ, ये ज्ञायक संबंध कहना अशुद्धता का उत्पादक है। हाँ, पर के साथ ये ज्ञायक संबंध है ना, पर के साथ। अभी ध्यान सुनना, इसे अभी समझ में कुछ नहीं आया ना, अभी समझा दो। ये और ज्ञायक समझते हो, ज्ञायक माने जानने वाला और ये माने जानने में आने वाला। जो विजन है, विजुअल से सामने, वो गे है और अपन उसको जानने वाले, तो अपन गया है। तो हम पर को जानते हैं, इसमें गलती क्या है? फिर से कोई पर को हम जान रहे हैं, इसमें गड़बड़ क्या है? तो यह कह रहे हैं अशुद्धता का जनक है। अशुद्धता माने दुख का जनक है। दुख का जनक है मतलब आश्रम बंद का जनक है। मैं दृष्टांत देके समझाऊंगा तो जल्दी समझ आएगा, जैसे टेक्निकल भाषा बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगी ये बात। बच्चों को सरल दृष्टांत देते रहे, बच्चे बैठे हैं उनको समझ में आएगा। आंख काय के लिए मिली? देखने के लिए, बराबर है, ठीक है। तो तुम किसी सड़क पर खड़े होकर किसी विंडो की और कंटिन्यू 15 मिनट देखते रहो, 1 घंटा देखते रहो, तो क्या होगा? तो लोग पूछ ले क्यों, क्या देख रहे? हम कहेंगे सड़क सरकार की, आंख हमारी। आंख काय के लिए होती है? देखने के लिए। तो आप हमें डांट क्यों रहे हो? सुना, पॉइंट सुनना, आंख किसी के घर के सामने खड़े होकर देखने के लिए नहीं है। अब और सरल करता हूँ, दिख जाए तो प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी किसी घर की खिड़की, कोई स्त्री दिख जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देख रहे हो तुम
आप तो समझ में आ गया, पर यह असुरी का जनक है, तुम पिटोगे। विश्व में कोई भी स्त्री दिख जाए, कोई का पैसा दिख जाए, वो प्रॉब्लम नहीं है। किसी का सोना चांदी हार पहने हो कोई और दिख जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सड़क पर कोई खड़ा आदमी ऐसे देख रहा हो, जैनों को देख रहा हो खड़े खड़े, क्या करोगे? बोले ए तेरी नीयत खराब है, मैंने कुछ किया नहीं, तो शांति से खड़ा हूँ। मैंने देख ही तो रहा हूँ केवल, कि नहीं पर के साथ, पर के साथ दे गया एक संबंध अपराध है। अब तो समझ में आ गया। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान है और वो ज्ञान से गेहूं को जानता है, दुनिया को जानता है। जानने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानने में आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे ज्ञान क्यों रहे? आगे बात समझ में आ गई। अब तो क्या लिखा है? पर के साथ गिर गया एक संबंध अपराध है। बोलो जरा, पर के साथ गिर गया एक संबंध अपराध है, अशुद्धता का उत्पादक है। दिख जाने में प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे घर में पैसा है मुझे पता है, तुम्हारी दुकान में पैसा है मुझे पता है, तुम्हारे बैंक बैलेंस में पैसा मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तिजोरी में पैसा सब पता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्यों आपके पास कितना पैसा है, और मैं आपके घर आके पूछूं कहाँ रखा है, फिर आपको तिजोरी में इसकी चाबी कहाँ है, आप क्या करोगे? बोला क्या आपको यही आश्चर्य हुआ, ये पूछ क्यों रहे? नहीं नहीं दिखाओ नहीं, क्यों देखना है आपको? मैं ऐसे दिखाओ। अरे ऐसे क्यों? अब तिजोरी खोल के गड्डी निकाल के दिखाओ, हाथ से दिखाओ। अब वापस रखवा दी जाओ, हम चले भी गए और उसी रात को तुम्हारी चोरी हो गई। मैं तो कुछ लेके नहीं गया था ना, मैं तो मात्र देख के गया। पुलिस जब आपसे पूछेगी आपको किस पर शंका है, कि वैसे तो हमारे यहाँ कोई आया नहीं, लेकिन पंडित जी आए थे और वो पूछ रहे थे सारी बात, उन्होंने इतना इतना किया, देखा। तो ये अशुद्धता का उत्पादक है, पॉइंट पकड़ो। पर जानने में आ जाए इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तू पर को जानने की जिज्ञासा करता है, ये बहुत बड़ा अपराध है। बराबर है? भगवान की पूजा क्यों करते हो पता? इन्हें पर को जानने की जिज्ञासा नहीं। इन्हें तीन लोग जानने में आते हैं। क्या कहा? तीन लोग जानने में आते हैं, लेकिन जानने की जिज्ञासा नहीं है। यही तुम्हारे ज्ञान में झलक जाए तो क्या करोगे? बोलो। अरे फिर तो अपन मजे करेंगे। आपको केवल ज्ञान क्यों नहीं होता पता है? कि आपको लगता है मुझे केवल ज्ञान हो जाए तो मजे लूंगा, फिर मैं सारी पिक्चर देख लूंगा, मैंने जाना का इंटरेस्ट होगा, सारे क्रिकेट के मैच देख लूंगा। आप उन सब चीज को जानने लगोगे, फिर मैं पता लगा लूंगा कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरे ऊपर गलत सोच रहा है, कौन मेरे प्लान कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है मेरे खिलाफ, मैं उसको मिटा के रख दूंगा। तो इसीलिए तो नहीं हुआ है। केवल ज्ञान उन्हें होता है जिन्हें गेयों को जानने में नो इंटरेस्ट, शत्रु को जानने में नो इंटरेस्ट, मित्र को जानने में नो इंटरेस्ट, खाने पीने की चीजों को जानने में नो इंटरेस्ट। इसका नाम साधना है, इसका नाम साधना है। आपको यही साधना करनी है, केवल ज्ञान हो जाएगा आपको। केवल ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक आपके पास यू आर एबल टू नो। यदि आप जानना चाहते हो तो नहीं, चलो आगे चलो। तो क्या बोला मैंने? पर के साथ गिर गया एक संबंध अशुद्धता का उत्पादक है। बराबर है? आप सब जगह लगा सकते हैं इसको। जानने में आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानना चाहते हो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सरल एग्जांपल देता हूँ बच्चों के लिए, अब तुम्हारे लिए स्पेशल है ना, हीरो हो ना तुम, धन है ना, धन, वेरी गुड। तो धन्य ध्यान सुनना, बहुत सरल एग्जाम्पल, तेरे को समझ में आ जाए। तो देखो कैसा, तेरे को मिठाई कैसी लगती है, है? हाँ अच्छा, तो फिर ठीक है। अब तू शक्कर भी उठा के खा लेता है, इसका मतलब मम्मी छिपा के जरूर रखती होगी।
जब भी लड्डू बनते होंगे, मिठाई बनती होगी और बैठ जाता होगा मम्मी थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी, तो फिर मम्मी क्या करती होगी, बनाते ही समय अलर्ट रहती होगी, थोड़े से अलग निकाल के रखती होगी। अब क्यों लग रही मम्मी अलग, क्योंकि उसे पता है जब तक देखेगा जब तक मांगेगा, मैंने ये जिज्ञासु है ना, तो मम्मी छिपाती है। और अब उल्टा करके देख, तो आज के खाना बंद कर दे, नहीं बंद नहीं कर, मम्मी दे तो खा लेना, नहीं तो मांगना मत, बल्कि मम्मी दे तो दो बार मना भी कर देना, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ईट। केवल ज्ञान की विधि बता रहे हो, केवल ज्ञान भगवान बनने की विधि। फिर मालूम मम्मी क्या करेगी, उल्टा पकड़ पकड़ के खिलाई, खा तेरी पसंद की मिठाई बन रही है, मैंने आज मेरे जो जो आइटम जो अच्छे लगते होंगे वो मम्मी ने बनाए, तो बुला बुला के खिलाई, नहीं मैं नहीं खाना, मुझे खाना नहीं, आज मेरा त्याग है। त्याग अभी त्याग मत किया कर, देखो त्यागते हैं तो मम्मी खिलाती है, अपन खाना चाहते हैं तो मम्मी, ये दृष्टांत हो गया। पर को जानने के साथ ये यह संबंध है, वो अशुद्धि का उत्पादक है, दुख का उत्पादक है, हैरान करने का उत्पादक है। जैसे यहाँ दृष्टांत में छिपा रही है ना, ऐसे ज्ञानावरणीकरण क्या है, ज्ञान को ढांक रहे हो, क्योंकि आप ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले हो। आपको मन पर ज्ञान क्यों नहीं हुआ, मन की बात जानना, आपको मन की बात जान लेते किसी की नहीं, क्यों नहीं जान पाते पता है, क्योंकि तुम्हें किसी के मन की बात को तुम सह नहीं पाओगे। अच्छा जी मेरे खिलाफ सोच रहा है, अच्छा मेरे पक्ष में सोच रहा है, तो आप परेशान हो जाओगे। ध्यान से सुनना, ज्ञान उन्हीं का बढ़ता है जो परेशान नहीं होते। क्या बोला हमने, ज्ञान उन्हीं का बढ़ता है जो परेशान नहीं होते। परेशान का मतलब समझ गए, एक दृष्टांत छोटा सा, डॉक्टर बनना चाहिए, तो डॉक्टर बनना बड़े होकर के, तो तो बड़ों से पूछ लेते हैं भाई बोलो क्या बनना चाहते, दृष्टांत हो करना दे, मान लो डॉक्टर बनना है, अब तुम खून निकलता देख सकते हो, चाकू लगता हुआ देख सकते हो, तो डॉक्टर बन पाओ, तुम जराओगे तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे। डॉक्टर बनने की ताकत उनमें है जो चीरा लगा सके, फोड़ा दबा सके, पट्टियां बांध सके, ऑपरेट कर सके, ब्लड देख सके, अंदर का गंदा गंदा भी देख सके, वो डॉक्टर बन सकता है, नहीं तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे आप। इंटरेस्टिंग, ऐसे ही तुम जानने की ताकत होगी ना तुम्हें, तो केवल ज्ञान ले सकोगे। कुछ कहा है मैंने, कुछ समझ में आ गया हो, मैंने तो बहुत बड़ी बात कह दी, साधना की पूरी बात कह दी है, क्योंकि इसकी एक ही पंक्ति में सारा मोक्ष है, पूरा मोक्ष मार गया। बोलो क्या कहा मैंने, बोलो केवल ज्ञान चाहिए आपको, बोलो बोलो भगवान बनना। तो मैं विधि फिर से बताता हूँ, पर के साथ ये ज्ञान संबंध में खतरनाक है, तो अभी ध्यान से सुनना बिल्कुल काम की बात। इसका मतलब आप धीरे धीरे अपने आप को इस ताकत को बढ़ाओ कि मैं जानने की शक्ति रखूं। हम क्या गड़बड़ करते हैं, गर्मी लगी एक सेकंड पंखा ऑन, इसका मतलब आप जानने की शक्ति नहीं रखना चाहते। एकदम भूख लगी एकदम खाना चाहते, इसका मतलब आपको जानने की शक्ति नहीं। जरा इसने कुछ कह दिया एकदम चिल्ला गए, बस चिल्लाना तो नहीं, एकदम इरिटेट हो गए, कैसे हो तुम, नहीं थोड़ी क्षमता रख, थोड़ी क्षमता रख, तू जानने की ताकत बढ़ा, समझ गए, जानने की ताकत बढ़ा, इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में सिंपल का तो रिएक्ट होने की जरूरत नहीं है। क्या उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, कौन इंसल्ट कर दी अपनी, विश्व में कौन है जो आपकी इंसल्ट कर सकता है कोई, सोचो शांति, कोई इंसल्ट करने वाला है तुम्हारी, बताओ, बोलो, मैं बोलू नहीं था है? तुम्हारी इंसल्ट कौन करता है, अच्छा इंसल्ट क्या होता है, बिल्कुल सही, मैंने तुम्हें कोई हर्ट करने वाला हो, बुरा करने वाला हो, बुरा कहने वाला हो, जिससे तुमको बुरी फीलिंग होती हो है? मैं बताता हूँ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बस, तो मालूम सबसे पहला हर्ट कहाँ होता है आदमी, मम्मी से। क्योंकि मम्मी ही पढ़ने के लिए कहती है, तू पढ़ता नहीं है, अब तुम अपने फ्रेंड के साथ आए हो हंसते हंसते, कहते मम्मी के तू बहुत गंदा लड़का है, तो उसको ईगो हर्ट हो जाती है, मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा, मेरी मम्मी मेरी इंसल्ट कर रही है, मेरी बुराई कर रही है, अब समझ नहीं आया,
अभी मैंने नहीं हारे। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, मम्मी इंसल्ट कर सकती है? लेकिन सबसे पहली फीलिंग वहीं से होगी, पत्नी को सबसे पहले हर्ट पति से होगा। जिस दिन आंख टेढ़ी करते हैं थोड़ी जोर से, हे क्या समझती है अपने आप को, निकल जा। निकल जा तो बहुत बड़ी बात है थोड़ा लेकिन जरा भी कोई जोर से बोला मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तो इतना सुनने पर तो एकदम रिएक्ट। ध्यान रखना मैं इसका प्रैक्टिकल ऐप बता रहा हूँ। ऐप तो कल हमारे पास फोन आया, वो क्या कहलाता है, मैं क्या आप हमें ऐप बताइए ऐप कहीं है थोड़ी, ऐप तो बनाने पड़ेंगे। मैंने जिस दिन पति गर्म हो उस दिन केवल स्माइल पास करो, बस खत्म। जो पति कह रहे हैं ना हम आई डोंट लाइक, थोड़ी देर बाद खुद अकेले बैठकर मेडिटेशन करेगा, मेरी पत्नी कितनी लाइक करने लाएगी और फिर जब आएगा ना तब अच्छे से बात करेगा और फिर कहेगा तुम कितनी अच्छी हो, मैं चाहे जैसे बोल देता हूँ लेकिन तुम जरा भी ईगो नहीं करती, जरा हर्ट नहीं होता तुमको, जरा भी टेंशन नहीं लेती, बहुत गजब है, ऐसी महिला मिलती नहीं है, छोटे काल की होता हूँ मैंने स्तुति करना शुरू न हो तो बोल देना। हम दिक्कत क्या है, केवल ज्ञान पॉइंट पकड़ो, केवल ज्ञान चाहिए तो रिएक्शन देना बंद कर, थोड़ा गायब रहा, पैसेंस रखा थोड़ा सा। मम्मी ईगो हर्ट नहीं कर सकती आपका, मम्मी आपको सुधारना चाहती, रात हो गई थी ना, मम्मी सुधारना चाहती आपको, अच्छा करना चाहती, इसलिए वो आपको ईगो हर्ट नहीं कर रही। मतलब दुनिया में किसी ईगो से हर्ट दूर से तो होता है, मैं तो एक पढ़ा रहा था कोई करता ही नहीं है, केवल आप समझते नहीं, ये कह रहे थे। आई बात समझ में आ रही, चलो आगे चलो। तो एक तो एक पॉइंट हो गया पूरा, पर के साथ गे गाय का संबंध क्या है, अशुद्धता का व्यवहार होने से अशुद्धि का जनक है, बराबर एक पॉइंट पूरा हुआ। अब आगे तब तो अब एक नया क्वेश्चन खड़ा, तब तो फिर विकल्पात्मक होने से गुण भेद कर देना ये भी अशुद्धि का ही जनक होगा। देखो सातवीं ज्यादा उठानी है इनको, अभी थोड़ी देर पहले कहा ना रसगुल्ला, छोटा सा बच्चा होता, छोटा सा बच्चा उसे भी चखाओ, रसगुल्ला खाए नहीं खाए, मैंने खाया इसने चलो रसगुल्ला, तो अब देखो मजा तो ले सकता है, लेकिन वर्णन कर सकते हो रसगुल्ले का, वर्णन कर सकते हो उसको, डिस्क्राइब कर सकते हो, गोल होता है, ठीक है। हाँ ठीक बिल्कुल। अब देखो ये समझाना भेद हो गया, ऐसे ही अब ध्यान से नहीं भी करें, आत्मा अनुभव की जा सकती है लेकिन समझाना कठिन है, लेकिन लेकिन समझाए बिना अनुभव भी तो क्या नहीं होगा, आपको पता ही नहीं आत्मा के बारे में तो मुझे कहना ही पड़ेगा ना। तो इन्होंने कहा सुनो हम आत्मा के बारे में गुण भेद करके समझाएं, जैसे जैसे रसगुल्ला समझाए गुण भेद करके कंटेंट बताया उसका, ऐसे यहाँ पर आत्मा का कंटेंट, तो फिर उससे भी तो अशुद्धि का जनक होगा, ऐसा प्रश्न खड़ा कर दे। तो मैं पहले ही समझा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अशुद्धि का जनक ध्यान से सुनना, रसगुल्ला खाया ये सबने, खाया रसगुल्ला हर्ष नाम, अच्छा खाएगी तो हर्ष रसगुल्ला खाया है, अभी मैं जैसे खिला रहा हूँ वैसे खाओ, ठीक। अपने मुंह में रसगुल्ला रख लिया, मुंह में रसगुल्ला रख लिया, ठीक। अब अपन एक काम करो, बंद करो आंखें और ऐसे देखो, ये पनीर का स्वाद है, ये भैंस के दूध का पनीर है, भैंस का दूध 50 रुपए लीटर है, मैं पता नहीं रेट अंदाज से मार रहा हूँ, इसमें 40 रुपए किलो भी शक्कर है और जो भी आइटम डले हुए सब सोचो, तो आपको रसगुल्ले का मजा आता है या खत्म हो जाता है? अब मम्मी पूछे क्या कर रहे हो, मम्मी पूछे क्या कर रहे हो, मम्मी मैं रसगुल्ले का कंटेंट चेक कर रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, सामने आ बेटे सामने, 3 बजे सामने जा, आज गाड़ी लेट नहीं चली, राइट टाइम चली ना, इसलिए आप लोग लेट चल समझ में आया। तो आप रसगुल्ले का स्वाद मुंह में होने पर भी नहीं ले पा रहे, क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि आप रसगुल्ले का गुण भेद कर रहे हो,
इसमें दूध का वो पनीर पनीर सेवन करें कैसे होना चाहिए, फाड़ देते उसको ऐसे कोई तो पनीर है शक्कर है फला है ये है तो आपको मजा खत्म हो गया। तो फिर मम्मी तो वो खाना सिखाएगी, सोच मत। हमारी भोपाल की भाषा में बोलते हैं मुंह में रख और सूदो खेचो घटक है ना, खीर खाइए। अभी तीन बच्चे नए आए ना इनके लिए बताना पड़ेगा दृष्टांत, खीर खाइए। तो खीर में क्या होता है, अपन मुंह में चम्मच डाली मजा तो तब काला जाता है, लेकिन अब तो मजे नहीं लेना हो तो मुंह में रखो। चावल का टेस्ट कैसा है, ये रहा चावल, ये रही केसर, ये रही किशमिश, ये दूध 40-50 रूपए लीटर का, 40 रूपए किलो शक्कर, किशमिश का रेट आजकल क्या है पता नहीं, 250-300 रूपए किलो। ये एक एक चीज का आइटम विचार करो तो खीर का मजा आएगा कि नहीं आएगा, ये अशुद्धि का जनक हो गया। ऐसी तुम्हें आत्मा का अनुभव करना है तो आत्मा के गुण भेद और पर्याय भेद का विचार मत करो। आप जब भी मेडिटेशन करते हो तो बैठा मैं आत्मा का ध्यान करता हूँ, तो एक गलती करोगे आप, जैसे आप खीर के बारे में आपने इतना भेद कर डाला मुंह के अंदर एक एक चीज, तो आपको मजा आना खत्म हो गया। ऐसे मैं आत्मा हूँ, मेरे में द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है, आ हा हा हा, एक एक प्रदेश प्रदेश पर अनंत अनंत गुण है, ओ क्या ब्यूटीफुल हो मर गए। ओ मेरे में सर्वज्ञता शक्ति है, मेरे में फला शक्ति है, मेरे में वो शक्ति है, मर गए मजा खत्म। मजा खत्म समझ में आ गया। ऐसे ही आत्मा का अनुभव करना है तो हूँ इसकी फीलिंग करो बस, हूँ इसकी फीलिंग करो बस। अच्छी भाषा में कहते यूनिक हो, अभी तुम जो समझ जाओ तो समझ जाओ करो, बहुत जबरदस्त बात है। आत्मा भी बताई नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा वैसे अनुभव नहीं करना, पहले कह दिया मैंने। क्या बोला मैंने, मैं आत्मा अभी आपको मालूम नहीं इसलिए आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते यार, ज्यादा ज्यादा आप रात की भाषा में कहो तो पैकिंग का ही ध्यान करोगे, बॉडी लड़का यही अनुभव करोगे। तो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटे, कॉपी को हाथ में रख लेते, आप लिखते हो ना जिनवाणी, इसमें हाथ में जमीन पे नहीं रखना है बेटे, नहीं तो कोई चीज ले लेना आप है ना, तो ये है ना इस तरह का और भी रखा है, ले लो बेटे, वेरी गुड। चलिए रेडी, ध्यान से सुनना, अभी फिर से सुन रहा हूँ मैं, फिर से कहता हूँ दृष्टांत है वो धरना मत, अभी कोई इनकम टैक्स वाला नहीं आ रहा। आप करोड़पति कौन कौन है आप में, डरो नहीं कोई पूछ नहीं रहा, बोल दो हो चल सभी है। तो अब एक काम करो, तुम करोड़पति का मेडिटेशन कैसे करते हो, कैसे करके बैठ के मैं करोड़पति, विजयवाड़ा का नंबर वन, तो करोड़ का मतलब 100-100 की इतनी गड्डी, क्यों 500-500 की इतनी गड्डी, 2000 की इतनी गड्डी, ऐसे करना पड़ जाए, इतने करोड़ का मकान, इतने का गोल्ड, इतने का सिल्वर, इतने के बर्तन, इतने का मकान, इतने की फैक्ट्री, ऐसे पंडित जी ऐसे नहीं करना पड़ती। तो फिर आप करोड़पति का अनुभव करते हो कि नहीं करते हो, करते हो तो भेद करके तो नहीं करते ना, ये कहना है मुझे, जब भेद करके नहीं करते लेकिन जब सड़क पे चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, समझ गए, ऐसे जिसको हमारे यहाँ बुंदेलखंड की भाषा में कहते हैं ठसा था, आपको क्या बोलते हैं, कैसे चलता है ऐसे चलता है वो, ये तू क्या समझता है। एक गरीब घर से बहू आई हो, एक अमीर घर से बहू आई हो, दोनों बहुओं की बोलने की टोन में जो डिफरेंस है ना वो ठसक का है। जो गरीब बहू होगी वो ऐसे बोले जी जी क्या करूं, अरे इधर आ, तो करोड़पति घर से आई होगी तू क्या समझती मेरे पियर में। पूरे इंडिया में अब तो झगड़े नहीं होते होंगे सर, पहले इस बात का झगड़ा बहुत था, हमारे घर में तो ऐसी खीर बहुत फेंकते थे, ऐसी साड़ी तो हम भाई को दे देते थे मारने वाली, तो हमारे घरों में तो ऐसा होता था, मतलब पियर ही पियर की बात।
एक झगड़ा आएगा, अशुभता का जनक माने दुख का जनक, बंध का जनक, क्या कि तू जो भेद का अनुभव कर रहा है ये दुख का जनक है। बराबर समझ आएगी, वापस आत्मा में आओ। आत्मा में अनंत गुण है, क्यों फील कर, विचार नहीं करना, विचार भेद नहीं करना। सरल दृष्टान दे दूं, एक बोलो देव की नहीं दी देव, बोलो क्या नाम है तेरा? ऋषि, अरे कृष्ण, कल भी एक कृष्ण मिला था ना, इधर ही था क्या वो? अरे वहां भी क्या, अच्छा हाँ कल भी एक कृष्ण था, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो समझ लो दृष्टान दो, डंडा नहीं घबराएगा तो नहीं। अभी देखो ये कृष्ण है, ये सही में वैसा लगता है, कौन सा हीरो है वो कृष्ण? ये देखो इसको गौर से देखो, ये बिल्कुल वैसे ही लगता है। इतना सुनते हैं इसको जो खून दौड़ रहा होगा अंदर 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 जो मजा आ रहा होगा, वो मजा में भेद होगा कुछ? कि उस लड़के, उस हीरो जैसी आंख, उस हीरो जैसे बाल, उस हीरो जैसी मेरा बॉडी, हीरो जैसा वो क्या कहलाता, पैर सिक्स पैर कुछ सोचेगा तो ये दुखी हो जाएगा, यदि वैसा सोचेगा तो दुखी। लेकिन किसी ने देखते भी कहा ना, ये तो बिल्कुल बिल्कुल बचपन का रोल है। तो जो एकदम आनंद आया, आनंद में हम मिलाएंगे नहीं कोई, चेक नहीं करेंगे, नहीं मजा बहुत आया। ऐसे हम तुमसे कह रहे, जीवन तो बहुत छोटी चीज है, डरना नहीं है। सुनो, तुमने भगवान दिखाई हुई थी कल रात को, बोला तो याद है आपको, सारी दुनिया कहती तुम क्रोध के करता हो, जबकि जैन शासन कहता है कि तुम भगवान हो। याद है तेरे को दृष्टांत दे, धन रात को दृष्टांत आखिरी में कौन सा दृष्टांत दिया? वो गटर में कुछ गिरा था, डायमंड, डायमंड। तो अभी अब दो ही रहने भी भाई। अब बोलो सबको लग रहा है हीरा गटर में गिर गया तो गया काम से, भगवान कह रहे नहीं, गटर में पड़े रहने पर भी हीरा तो हीरा है। ऐसे ही सब तुमको लग रहा है मैं शरीर हूँ, हीरो हूँ, भगवान कहते कि तुम ज्ञायक हो, तुम भगवान हो। जैसे भगवान एकदम लगे भगवान, जैसे मैंने हीरो कहा ना तो मजा आया, ऐसे मजा उसमें आ जाना चाहिए कि मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम भगवान हो। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए हाँ वो तो पंडित जी मंदिर में ऐसा ही बोलते हैं पर भगवान, वैसे तो अपन अभी लड़का है। नहीं नहीं लड़का नहीं, लड़का तो तुम दिख रहे हो, रात की बात हम पैकिंग है होता, अभी तो तुम भगवान हो। एकदम सुन के मजा, अभी एक काम करो, आप विजयवाड़ा के पहाड़ों में जाओ, यहाँ कोई नहीं हो, सन्नाटे में चले जाओ आप अकेले, और इतने में ये कोई महापुरुष है, सफेद कपड़ा पहना हुआ एकदम चकाचक, और तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे एकदम फिल्मी स्टाइल में, और फिर धीरे से तुम्हें देख करके, अरे तुम्हें तो परमात्मा छो, और गायब, वो गायब हो जाए, कैसा लगेगा? अब जिंदगी भर नहीं भूलोगे, वो जो एक्साइटमेंट होगा, जो फीलिंग होगा, जो मजा, अरे मैं भगवान, भगवान कौन कहलाता है, कैसे हो गए मैं भगवान? जैसे अभी फिल्मी हीरो के नाम पे लग रहा था ना कुछ, दर्पण देखते थे उसकी फोटो रख लो। ऐसे हम तुमसे कह रहे हैं तुम भगवान हो, भगवान के सामने खड़े हो जाओ, मिलाओ, देखो जैसी नाक तुम्हारी ऐसी उनकी, आंख उनकी ऐसी तुम्हारी, बस एक चीज का अंतर है। अब ये जो फोटो दिख रही ना, ये मैंने प्रतिमा दिख रही, ये तो पैकिंग की है, अंदर असली माल वो आत्मा है, वो ही तुम हो। चेक आउट, प्रेस आउट, मिलन करो, आपको बहुत मजा आएगा, उसका नाम समझ लेते हैं। क्यों तुम ऐसी गलती करोगे? यदि तुमसे कहीं फला हीरो जैसे लगते हो तो एक बार भी नहीं सोचेगा कि उस जैसा हाइट नहीं मेरी, उस जैसी कपड़े नहीं मेरे, उस जैसी फिल्मी हीरोइन नहीं है। एक बार भी नहीं सोचेगा, बस केवल मजे लेगा। वो पंडित जी ने सड़क पर गया, कॉलेज में गया, तो चार छह लड़के लड़कियों ने मुड़ करके देखा मुझे, बोले अरे ये तो कृष्ण है। पंडित जी जब मैं जाता हूँ तो मुड़ मुड़ के देखते हैं लोग, हो ना हो मैं उसी जैसा हूँ, उस बहे हुए नहीं कह रहा, मैं उस जैसा हूँ, मैं
यदि मैंने फिल्मी हीरो कह दिया तुमसे कह दिया तो अब जब दर्पण के सामने जाओ तो मेरा प्रवचन याद आएगा। दर्पण के सामने जाओगे तो एकदम आंखें बंद हो जाएंगी और आंखों ही आंखों में अंदर ही अंदर ज्ञान आनंद लेने लगेगा। मैं फिल्मी हीरो जो भी नाम है नाम अपने अपने डाल लेना अपने हिसाब से सब माँ को मजा आ रहा है। आप ये नहीं सोच रहे मैंने तो एक्टिंग की नहीं मैंने फिल्मों में काम किया ही नहीं ये नहीं सोच रहे आप तो बस मैं तो मैं ही हूँ बस ऐसे हम कह रहे हैं आप भगवान हो। अब आप में जिसको सम्यक दर्शन होना वो सोचेगा भगवान के सामने आते ही इसलिए ध्यान रखना दर्शन करने आते ही इसलिए है मैं वही हूँ जो है भगवान जो मैं हूँ वह भगवान अंतर डिफरेंस अंतर यही ऊपरी जान विराग यहाँ राग वहाँ विराग है पर यहाँ राग तुम में भगवान में क्या डिफरेंस है वैरागी वितरागी है और तुम विरागी एक काम करो राग छोड़ देंगे बस खत्म भगवान बन जाएगी किसी बात समझ आ गई आपको चलो आगे चलो चलो अभी दो पॉइंट पूरे हुए। अशुद्धि का जनक ऐसी स्थिति में आत्मा में ज्ञान है दर्शन है ज्ञान है दर्शन है चरण चरण माने चारित्र है ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से आपको कल पढ़ाया है मैंने लेकिन नए नए लोग नहीं बताऊंगा थोड़ा थोड़ा शुद्ध है परमार्थ से दर्शन ज्ञान चारित्र तीन बातें बताई पॉइंट नोट किया जाए। ये तो नाम सुने होंगे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सुने आगे बोलो सम्यक चाय तीन तो नाम सुने वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनना अभी ध्यान से सुनो धनी सती श्रद्धा ज्ञान चाय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चाय ये तीन चीजें हम बताएंगे पॉइंट नोट करना जरा मैं क्या दो बार कैसे कर मैं तीन बातें कहूंगा तुम तीन नहीं देखना तुम आत्मा देखना क्योंकि हमें आत्मा समझाना है हमें सम्यक दर्शन नहीं समझाना हमें सम्यक ज्ञान नहीं समझाना हमें सम्यक चार्य नहीं समझाना कोई समझा रहा प्रश्न फिर से बोल रहा हूँ हमें श्रद्धा ज्ञान चार्य नहीं समझाना हमें आत्मा समझाना क्योंकि किसके अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन है आत्मा केवल ज्ञान कब होता है जब हम आत्मा का ध्यान करते हैं आत्मा का अनुभव करते हैं तो हमें तो आपका आत्मा समझाना है हमें आपको गड़बड़ कहाँ चल रही है समझना हम लोग सम्यक दर्शन के पीछे पड़ जाते हैं और आत्मा को भूल ही जाते हैं हम सम्यक ज्ञान के पीछे पड़ जाते हैं सम्यक ज्ञान बढ़ाना है सम्यक ज्ञान बढ़ाना है कैसे बढ़ाना है पढ़ पढ़ के बढ़ाना है जिंदगी नहीं बढ़ेगा क्रॉस क्रॉस समझ गए हम फिर से हम सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य की महिमा करेंगे तुम आत्मा की महिमा समझना दृष्टांत देता हूँ क्योंकि दृष्टांत के बिना ये बात नहीं समझा पाऊंगा मैं सभी लोग मेरा दृष्टांत सुनो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा समझाना है समझना ध्यान पहले सब लोग बंद कर लो सब लोग अभी भी जिसके हो चालू एक बार चेक कर लेना ध्यान से सुनना है बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ लड़का के लिए लड़की देखने जाती है नहीं समझा लड़का के लिए लड़की देखने जाते हैं ठीक अभी देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं वहाँ कमरे में लड़की तो नहीं होती वहाँ कमरे में बैठक होती है आप बैठ जाते हैं बैठते समय भी आप लड़की देखने आए थे या दीवार देखने आए थे जब तक लड़की नहीं आती तब तक आप कैसे देखते अभी मेरा प्रश्न समझना आप दीवार देख रहे हो कि लड़की देख रहे हो हैं अभी अभी रिफाइन करना रिफाइन एक्चुअली आप दीवार देख रहे नहीं आते लेकिन दीवार इसलिए देख रहे हो कि आप लड़की देख रहे हो क्यों दीवार पर कुछ न कुछ होगा पेंटिंग उस पेंटिंग में उस लड़की का नाम लिखा है तो पहले तो आपको पेंटिंग पसंद आती है तो उतना मजा नहीं आता और जब उस पर ओ अब आपको कुछ ही कुछ दिखने लगा एक पेंटिंग बनाती हुई लड़की इतनी सुंदर पेंटिंग तो अब उसका आत्मा दिखने लगा आपको उसका ज्ञान दिखाई देने लगा उसकी टैलेंट दिखाई देने लगा बहुत टैलेंटेड अभी आंख सर की पेंटिंग से हटी मैं एक मार्कशीट टंगी हुई थी
उस मार्कशीट में नंबर लिखे होते परसेंटेज 99% से पास, तब तक भी मजा नहीं आया। लेकिन जैसी देख किसकी है, फिर इतनी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट, इतना सार, एकदम मजा आया। पॉइंट पकड़ना थोड़ा सा। तो आपको लड़की पसंद आ रही है कि माफी? बोले भाई क्रिस, बोले भाई लड़की पसंद आ रही है कि माफी पसंद आ रही है? आप मार्कशीट ले जाओगे? नहीं पसंद आ गई तो ले जाओगे ना, भाई निकाल दो मार्कशीट में। फिर वहां पर कोई सिलाई कढ़ाई टंगी हो, मेज पोस्ट वगैरह होते ना, डिजाइन डाल रखी होगी, तो फिर वो भी बहुत अच्छा था। तो आपको एक ही चीज कहाँ पसंद आ रही मालूम है आपको? अभी तक लड़की देखी तक नहीं है और लड़की पसंद आ रही, देते में नाश्ता आया, अभी नाश्ता भी लड़की नहीं लाई, नाश्ता करा आपने बहुत टेस्टी लगा, लेकिन आपको ऐसा लग सकता था कि मार्केट का हो सकता है, इसलिए वो मजा नहीं आया। अभी आपको रसगुल्ला खाया लेकिन वो मजा नहीं आया, टेस्टी बहुत है तो वो मजा नहीं आया। आपने देखा वो पूरे इंडिया के पिताजी जितने होते हैं लड़कियों के, उसी समय एक डायलॉग देते हैं, ये सब मेरी बेटी ने बनाया, इसकी मम्मी को तो बनाना नहीं था। मैंने बिल्कुल सही समय पर नाश्ता आने के बाद बोलेंगे, पहले नहीं बोलेंगे। अभी नाश्ता, अभी ध्यान से सुनना, आपको नाश्ता पसंद आया कि लड़की पसंद आई? अभी तक लड़की आई नहीं, ध्यान रखो। आप चार आइटम देख चुके हो, साफ सफाई को भी शामिल कर सकते हो, बोली मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, यहाँ सफाई बहुत अच्छी है, इसका मतलब एटिकेट अच्छा है, मैनर्स अच्छे हैं। बोलो आप क्या देख रहे हो? लड़की देख रहे इतनी देर से है, वहां तो आई नहीं अभी। अब ये है कला, देखते हैं बाहर की चीज और दिखती है क्या? कब कल्पना कीजिए कि आप वापस लौट रहे हो लड़की देखने के बाद, तो क्या आप उनसे ऐसा बोलोगे इतने टेस्टी रसगुल्ले एक किलो पैक कर दो? बोलो भाई क्या करोगे आप? यदि वो बोले भी, वे बोले भी भाई आप एक किलो रसगुल्ले ले जाओ या लड़की ले जाओ, तो आप क्या लाना पसंद करोगे? बोलो भाई क्यों, रसगुल्ले लो ना, खाओ टेस्टी है साहब, ये तो खत्म हो जाएंगे एक किलो, कौन सा ऑप्शन अच्छा है? बोला रसगुल्ले तो एक दिन में खत्म हो जाएंगे, दो दिन में खत्म हो जाएंगे, चार दिन, हमें तो रसगुल्ला बनाने वाली दे दो। मेरे ज्यादा नहीं कहना, मेरा मतलब इतनी देर से मैं आइटम बता रहा हूँ, आपको आइटम पसंद नहीं आ रहा है, लड़की पसंद आ रही है। ऐसे ही पूरे द्रव्यान योग में शुद्धात्मा की महिमा बताई गई है, कभी केवल ज्ञान के द्वारा बताई गई, कभी सम्यक दर्शन के द्वारा बताई गई, कभी सम्यक ज्ञान के द्वारा बताई गई, कभी सम्यक शायद के द्वारा बताई गई। ध्यान रखना तुम केवल ज्ञान पर फिदा नहीं होना, तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चाय पर फिदा नहीं होना, तुम गुण भेद पर फिदा नहीं होना। ऐसे नहीं करना कि बैठ गए आ हा 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 मेरे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि आत्मा परम पवित्र है, हूँ परम पवित्र छू, नाटक मत कर। नाटक मत कर, अनुभव कर। जैसे आपको लड़की नहीं दिखने पर भी दिख रही है, ऐसे हमें हमें मालूम है आपको आत्मा नहीं दिख रहा है, लेकिन आत्मा देखने का स्टाइल है, स्टाइल हम तुम्हें तुम्हारा गुण भेद बताएंगे, गुण भेद के द्वारा तुम आत्मा का अनुभव करो। बराबर समझ में आ रही बात? चले वापस आगे देखे, एक गाथा पूरी हुई, पढ़ता हूँ इसको। इस व्यायिक भाव के बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है, वातो दूर ही रहो। ओहो, मोह राग द्वेष से अशुद्धता होती है, वातो दूर ही रहो। लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है। अब ये नई बात आ रही, सरल एकदम दृष्टांतों से सरल कर पाएंगे इसे। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुण है या नहीं है? हैं, नहीं है। अब फिर से है या नहीं है? है, लेकिन अनुभव में नहीं है। क्या बोला हमने?
जिस समय खीर खाई ना आपने, उस समय वहाँ चावल है, क्या दूध है, शक्कर है, किशमिश है, इलायची है, है, लेकिन खाते समय मजा लेना है तो खीर का मजा लेना है तो अभेद लेना, अखंड लेना, कि भेद कर करके लेना। बोला अब अखंड का मजा आएगा, इसका नाम अनुभव है, इसका नाम ध्यान है, इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम आनंद है। खंड करोगे तो नहीं होगा। फिर सरल दृष्टांत देता हूँ, मैं जानता हूँ पहली बार सुन रहे होगे नहीं बातें तो कठिन पड़ती है, सरल कर देता हूँ। एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएगी, रिफ्रेश हो रहे एकदम स्ट्रेच, थोड़ा समझ गए। हाँ, वेरी गुड। नींद आ रही किसी को? नहीं आ रही किसी को? चलो एक बार अच्छे बैठो बेटा, ध्यान अच्छा चले जाए, आप पूरे रिफ्रेश हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, बहुत जोरदार है, ध्यान से सुनेंगे दृष्टांत एकदम समझ आ जाएगा। नई बात क्या आ गई? आत्मा में गुण भेद है और अनुभव में गुण भेद नहीं है, बराबर। मैं दृष्टांत देता हूँ, एकदम सरल दृष्टांत है, लेकिन आप दृष्टांत पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आप इधर ज्यादा ध्यान देना। आपने कार खरीदी है, मानो खरीदी, तो खरीदने के पहले हम बहुत टेंशन में होते हैं, कौन सी कार खरीदें, कौन सा कलर खरीदें, कौन सी कंपनी खरीदें, किस प्राइस वाली खरीदें, नहीं बहुत सारे विकल्प आते हैं। तो हम फिर शोरूम में जाते हैं, फ्रेंड सर्कल से उसके अनुभव का लाभ लेते हैं, इस टेस्ट लिस्ट से मिलते हैं, फिर हमको नई नई कारें बताता है नाना प्रकार की। ओके, फिर अपन पूछते हैं कार क्यों खरीदे, तो वो बताएगा इसका चेसिस अच्छा है, इसका क्या क्या होती है, एक्सेसरी अच्छी है, इसका इंजन बहुत अच्छा है, इसका क्या कहलाता है वो, माइलेज अच्छा है, और वो टायर अच्छा है, और कुछ एक अच्छी तुम भी जोड़ो, मॉडल कलर ठीक है। हाँ बोलो, बच्चे ने बोला क्या बोला, वो सब पसंद है। अभी आपने कार खरीद ली, कार खरीद ली, कार खरीद करके चलाने चलाते समय जो आनंद आ रहा है, चलाते समय आप किसका आनंद ले रहे हो, मात्र कार चलाने का या वो ये क्या कहलाते हैं स्टीयरिंग घुमाने का, स्टीयरिंग घुमाने का मजा ले रहे हो या इंजन का मजा ले रहे हो, स्टीयरिंग घुमाने का मजा ले रहे हो या कलर का मजा ले रहे हो या नीचे टायर का मजा ले रहे हो। अब चलाते चलाते आपके दिमाग में ऐसे बैठ गया मेडिटेशन के लिए टायर ऐसे सही हो, क्या क्या लग रहे थे, बैक मिरर ना उधर देख लो कितना बढ़िया, क्या होगा बोलो, समझ गए। आप जितने आइटम देख है, ये बात सही है, कार में ये सब आइटम है, लेकिन चलाते समय केवल केवल ओनली एंजॉय, ओनली एंजॉय, भेद नहीं करो, भेद करे तो यह कह रहे हैं अशुद्धि का जनक है। आत्मा में गुण भेद है, द्रव गुण पर्याय है, द्रव भेद काल भाव है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आनंद लेते समय सरल है। ये बात मुझे क्यों पढ़ानी पड़ रही है, अभी जितने लोग मेडिटेशन करते हैं वो यही से सिखाना शुरू करते हैं, और मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ कि जो मैं कहूँ उसका ध्यान नहीं करना, जो मैं कह रहा हूँ ना उसकी महिमा नहीं करना, तुम तो केवल फील करना, बस खत्म। और दृष्टांत दे, आप मकान बनाते हो या खरीदते हो, कुछ भी करो तो आपको एक नक्शा पास कराना पड़ता है, देखा है आपने, उसका पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा लिखा रहता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कितना 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 है ना सारा। लेकिन जब मकान में सोते हो, रोटी खाते हो, नहाते हो, उस समय आप क्या क्या सोचते हो, अब मैं पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा हूँ ऐसा सोचते हो क्या अब अरे अपन किचन में भी चले जाते हो, ये सोचते भी नहीं मैं किचन में जा रहा हूँ, सोचते हो अब मैं 5 फुट 6 इंच वाला आदमी पूरब से पश्चिम की ओर सिर करके पैर करके सो रहा हूँ, ये सोचना पड़ता है आपको। अब मैं 15,000 के डल्लब के गद्दे पे सो रहा हूँ, सोचना पड़ता है भाई, तू सो बस, समझ गए सारी बात। दुनिया में आनंद करने की ये विधि है, वे लोग बड़े परेशान होते हैं जो सोचते ज्यादा है,
जो सोचते हैं बहुत दुखी होते हैं, आप कहो तो लाखों दृष्टांत दे, सोचो नहीं, मजे लो, यूनिक होमन हो बस खत्म, सोचो मत। मैं बहुत सारे एग्जांपल आज भी दे चुका हूँ, रात को भी दिए थे, फीलिंग में करना सरल है फीलिंग, लेकिन उसको कहना बड़ा कठिन है। चलो आगे, चलो आगे क्या करें, ये बात तो दूरी रहो, इसके दर्शन ज्ञान चारित भी नहीं है। क्या मतलब निकला, आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित नहीं है, लेकिन अनुभव में भेद नहीं है, क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात, आहा नया शब्द आ गया, अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात, क्या बोला है, निष्णात समझते हो, एक्सपर्ट, अनंत धर्मों वाले एक धर्मी, अनंत धर्मों वाले एक धर्मी, मैं दृष्टांत देता हूँ बहुत सरल। अभी आपकी मम्मी ने कहा है आपको, छोटा भैया हुआ तो वो छोटा 2-3 साल का, भैया इसे मंदिर ले जाओ, कहा कि नहीं कभी, तुमसे कहा वो बड़े से छोटे को, ऋषभ से कहा वो हाथ को ले जाओ बेटे, जब छोटे होंगे नहीं तो तुम उंगली पकड़ के ले गए होगे नहीं, ऋषभ कैसे ले गए थे मंदिर, कैसे ले जाते बोले, उंगली पकड़ करके, ठीक है, छोटा छोटा भैया हुआ तो कैसे ले जाओगे उंगली पकड़, तो मेरा एक प्रश्न है ऋषभ, तो उंगली ले जाने के लिए कहा था कि भैया को ले जाने के लिए, बोलो भाई, भाई भैया को ले जाने का मतलब नहीं पूरा पूरा भैया तोप के ले जा, लेकिन अपन समझते हैं ना पंडित जी, देखो मैं भैया को मंदिर ले जा रहा हूँ, अरे तू क्या पकड़े जरा बोल तो, उंगली तो तू उंगली पकड़ी कि भैया को ले जा रहा है, अब जी है गजब, क्यों, इस उंगली के साथ साथ उसकी आंखें भी जा रही है, इस उंगली के साथ साथ उसके कान भी जा रहे हैं, इस उंगली के साथ साथ उसका पेट भी जा रहा है, और 250 से 250 तो नहीं लेकिन 206-212-213 कहीं जैसी वो हड्डियां भी जा रही है, पूरा 100% जा रहा है कि नहीं जा रहा, इसके 10,05,75,000 बाल भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, पूरा जा रहा है कन्फर्म, आपको डाउट नहीं हो रहा कि मैं उंगली ले जा रहा हूँ बाकी कहीं रह गया बीच में, तो जैसे उंगली पकड़कर ले जाने पर भी पूरा भैया जा रहा है, ये दृष्टांत बोलू कुछ आपको बोलू, आत्मा का अनुभव करना हो तो रेडी रहो, बैठ जाओ बढ़िया, अच्छा आत्मा का अनुभव करना हो तो रेडी रहो, करना है नहीं करना है रेडी, ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण है, तुम एक गुण को भी जानते हो तो पूरा आत्मा जानने में आ रहा है, तुम ऐसा नहीं करो अभी तो मैंने कुछ जाना ही नहीं है, आत्मा में कुछ दिख ही नहीं रहा है, आत्मा में तो अनंत गुण है, मैं तो 2-4 भी नहीं देख पाता हूँ, ध्यान नहीं पाता, बिल्कुल नहीं सोच, एक उंगली के साथ पूरा का पूरा हर्ष गया मंदिर, ऐसे एक ज्ञान गुण का भी फीलिंग हो रही ना आपको, जानने वाला हो कि नहीं, ये जानना आत्मा का लक्षण है कि शरीर का, बस हो गया मजा, हो गया, ओ मिल गया, मिल गया आत्मा, मिल गया, ओ हो पंडित हमें तो कुछ मिला ही नहीं, तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, ज्ञान का अनुभव है ना, फीलिंग का अनुभव है, जानने का अनुभव है, ये ही आत्मा का अनुभव है, तुम्हें अलग से नया आत्मा नहीं मिलेगा, सफेद सफेद पीला पीला, ये तो उसमें सिखाते हैं लोग मेडिटेशन वगैरह में, आ हा 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 एकदम सूर्य के प्रकाश जैसा चमचमाता हुआ आत्मा, ढोल आत्मा में कलर नहीं होता, आत्मा में लाइट नहीं होती, लाइट ब्लू लाइट पिंक, ओ जैसे बोलता वैसे दिखने लगता बेचारे को, मैं होता जाता कुछ है नहीं, अरे आत्मा ऐसा नहीं होता, हम फिर कह रहे हैं कि तुम्हें जो ज्ञान का वेदन हो रहा है ना, ज्ञान फीलिंग फीलिंग फीलिंग, ये आत्मा ही है, हमें इसको समझाने की फिर दृष्टांत देता हूँ, आप ध्यान से सुनोगे सभी लोग, हेलो सर क्या नाम है आपका, सिद्ध गॉड, क्या बात है, मजा आ गया सिद्ध, अभी ध्यान से सुनना क्यों तेरी बात चल रही है, ध्यान में समझे तो उसकी भी चल रही है, थक गए थोड़ा खेल यार बाहर जाओ, थक गए तो बाहर खेल के आ जाओ थोड़ा, चलिए तो सुनो अभी ध्यान से सुनो, बहुत दृष्टांत है, 1 करोड़ का हीरा फिर से आया, गटर में नहीं गिरेगा, अभी वो घर में कहीं गिर गया, और घर में आज बहुत सारी वो आई थी ना अपने घर में टोकनी आती है, क्या कहलाती है, फलों की टोकनी आती है अंगूर वगैरह,
कैसे, तो उसमें बहुत सारी घास बिछा देते, घास बिछा देते तो आज सारे अंगों की पेटियां खोली थी अपन ने, तो उसे घास बिखरी हुई थी, पूरे कमरे में घास ही घास बिखरी थी, और इतने में 1 करोड़ का हीरा गिर गया, छोटा साइज था, बहुत छोटा साइज, वो गिर गया। अभी आप घबरा रहे हो, सब जगह देख रहे हो, ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे, ढूंढोगे पक्का, अभी मिल ही नहीं रहा है। तो आपकी हार्ट बीटिंग कैसी हो रही है? तेज हो रही है। अब आप परेशान, फिर मम्मी ने, मम्मी को बताया आपने, मम्मी 1 करोड़ का हीरा हो गया और कहीं मिल नहीं रहा है, सारी अलमारियां चेक, तो कहाँ गिरी थी? फर्श पर कहीं गिरा, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, मैंने सब में देख लिया। तो एक काम कर, एक झाड़ू ले और झाड़ू लगा के सारा कचरा इकट्ठा कर, तो एक कोने में बैठ के आराम से देख। अभी मेरा दृष्टान ध्यान से सुनो, इसने पूरे झाड़ू से कचरा किया इकट्ठा, तो कहीं नहीं था वो सब, वो कचरे का इतना बड़ा ढेर लग गया, इतनी बड़ी ढेर लग गया। अभी ध्यान से सुनो सभी लोग, जिन्हें सम्यक दर्शन करना, मैं मौका दे रहा हूँ, आप करो तो कर लो, ध्यान से सुनना सीधे। उसमें से चमचमाती हुई एक किरण दिखाई दी, एकदम शाइनिंग। क्या हुआ, क्या मिला आपको? कौन सी मिला, ये सब क्या मिला, मिल गया? अभी मैंने क्या बोला था, उसमें से एक चमचमाती हुई किरण दिखाई दी, बोलो क्या मिला, जवाब नहीं आ रहे, हर्ष क्या मिला, हीरा पक्का? अभी देख, अभी दिखाई नहीं दे रही है, केवल एक चमक दिखाई दे रही किरण। तो मेरा प्रश्न है आपको, एक हीरा 1 करोड़ का, एक किरण कितने की है? शाबाश, सिर्फ जोरदार है, बढ़िया। 1 करोड़ का हीरा और उसकी एक एक किरण भी, क्योंकि वो 1 किरण की वैल्यू अलग से नहीं लगाई जा रही है, वो जैसे हीरे की किरण दिखाई दी उसे हीरा मिला, ऐसे इस ढेर में से इस ढेर में से ये ज्ञान की किरण दिखाई दे रही है, आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से, जिब्बा के माध्यम से, टच टचिंग सेंस के माध्यम से ये ज्ञान की किरण दिखाई दे रही है। बस तो वही चमचमाता भगवान है, वही भगवान आत्मा है, वही ज्ञायक है, वही हीरा है। आपने तो कोई खुश हुआ कि नहीं हुआ? बस जो खुश हो गया वो समय दृष्टि हो गया। यदि ऐसा है तो मैं भगवान आत्मा अनुभव में आ गया, इससे ज्यादा अनुभव नहीं आएगा, केवल ज्ञान के पहले इससे ज्यादा अनुभव नहीं आएगा। आप साधु भी बन जाओगे तो इतना ही अनुभव आएगा, आ मुझे आत्मा मिल गया। ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान ये उसी की तो किरण है। मैं फिर पूछ रहा हूँ, 1 किरण मिली कि हीरा मिला, बोले भाई? ऐसे आपको एक ज्ञान की चमक में हीरा स्वीकार करो, मैंने आत्मा का अनुभव करो, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं। अब सरल हो गया, कठिन हो गया? यदि मैं कहूँ कि तुम आत्मा को नापो, तौलो, धो, मांजो, फिर उसमें बहुत बहुत मेहनत करो, बहुत रिपेयरिंग का वर्क कराओ, डेंटिंग कराओ, पेंटिंग कराओ, फिर अनंत गुणों को जानने जाओ, तो अनंत काल में भी समय दर्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत कठिन हो गया। फिर तो सरल है, बराबर सिद्ध, हीरा मिला कि नहीं मिला आपको? तेरे को तो मिल गया ना, अभी और दृष्टान्त देता हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ, इतने सारे दृष्टान्त देने का साइंस समझो आप, भेद से कथन हो रहा है लेकिन भेद नहीं पकड़ना। मैंने क्या कहा था, मैं गुण भेद करूंगा, आप उसकी महिमा नहीं करना, सम्यक दर्शन ज्ञान क्या है, केवल ज्ञान की महिमा नहीं करना, मुझे अभेद की, आत्मा की महिमा करानी है, आत्मा समझाना है आपको, रेडी? चलो आगे चले, भेद नहीं करना, दृष्टान्त ध्यान रखना, भेद नहीं करना। एक लड़के ने तुमको एक कांटा मारा, किसको मारा, गाय को कि तुमको? बोलो जल्दी बोलो, गाय पे मारा उसने, वो किसने मारा? उसके हाथ ने, उसने नहीं। तो आप कौन किसको पनिश करेगा, एक गाल उसके हाथ को पनिश करेगा, तो लड़ाई किसकी हुई है, उसका हाथ और तुम्हारा गाल, तो लड़ाई किसकी होगी, बोलो बोलो। तो तुम उसके हाथ को कैसे पनिश करेगा ये गाल? हाँ बोलो, हाँ क्योंकि हाँ ये
ये सब में कैसी हो गया देगा, इसको पकड़ में आया है ठोक के दूंगा। अब मेरे लिए जब उसने इसको तो मारा नहीं था उसने, और उसकी पीठ की भी गलती नहीं है, लेकिन ये घूसा एक गया पीठ पे दिया उसने मिला करके। तो वो बोला देख भाई तू गड़बड़ कर रहा है, मारा तो उसने था तो मारना था, बोले तुम बंद कर दो बार बंद कर। थोड़े दिन बाद आपको लिखना पड़ेगा जूते चप्पलों की तरह मोबाइल को उतार कर आई। चलिए तो भाई न्याय करो आप, न्याय किसने किसको मारा, इसके हाथ ने इसकी पीठ को इसके गाल को मारा था, इस हाथ को क्या प्रॉब्लम थी, तो इसने उसकी पीठ को क्यों मारा, बोलो सिर्फ। अब सुनना ध्यान से मेरा उत्तर, समझ तो आपके उत्तर मुझे देना कि पंडित जी मेरा गाल और हाथ अंतर नहीं, मैं उसने मुझे मारा और मैं ही ठोकूंगा। देखो देखो क्या कर रहे हैं आप, उसने मुझे मारा है और मैं ही ठोकूंगा, इसे मारा भी नहीं था, इसने उसकी पीठ को मारा, उसकी पीठ की गलती नहीं गिरी जा रही है। मैं अपन क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम भेद करके नहीं देखते, मैं हूँ, मुझे भूख लगती है, तुम्हें भूख लगती है पेट को लगती है, पेट को क्या कमाल है, पेट को भूख लगती है मुंह खा जा, बोलो। गजब मान, पेट को भूख लगती है तो पेट को खाना चाहिए, पेट का मुंह ही खाए। इसका मतलब ये है कि हम अखंड है, एक ही में ऐसे ही आत्मा ज्ञान दर्शन चारित के माध्यम से बताया जाता है, लेकिन आत्मा तो अखंड है। तो मैं जिस दिन भी आत्मा का अनुभव होगा, इससे ज्यादा कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, और इससे ज्यादा सोचोगे तो अनुभव नहीं मिलेगा। क्या बोला, इससे ज्यादा सोचोगे तो आत्मा का अनुभव नहीं मिलेगा, और आत्मा का अनुभव करना है तो हमने अल्टीमेट बता दिया आपको, अल्टीमेट है, इसके बाद कुछ नहीं। तो मैं जितना आनंद करना है करो, और मैं आपको बहुत एग्जांपल दे चुका हूँ, मैं आपका और दे दूंगा दृष्टांत, बच्चे की उंगली वाला दृष्टांत दे दिया, अभी वाला एक दृष्टांत दे दिया आपको, कार का दृष्टांत दे दिया, आवाज कम हुई क्या बात, हेलो समझ मारी है भाई, और दे दूंगा दृष्टांत बोलो, इसके बाद फिर कल पढ़ेंगे दृष्टांत। शक्कर देखी है आपने, देख लिया, अब सर अभी दूध में हमने शक्कर डाली, बेटे इसको देखिए, हमने दूध शक्कर डाली, शक्कर कहाँ चली गई, दूध में चली गई, ओके। तब आंख से दिख रही है आपको, हाथ डाल के देखे तो मिलेगी, कान से सुने तो नहीं मिलेगी, नाक से सूंघे तो नहीं मिलेगी, शक्कर तो खत्म ही हो गई, सत्यनाश हो गई उसकी, तो नहीं शक्कर का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, बोलो बोलो कहाँ है बताओ, दिखा मैं दिखाओ, हाँ तो दिखाओ ना, दिखाओ हमारे यहाँ से दिखाओ ना हमको, मिल गया है तो हाथ से नहीं दिख रहा, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, तो अभी बच्चा मम्मी मंदिर गई, घर में कोई नहीं, आप हो, आपको दूध पीना है, गिलास मम्मी तैयार करके ले, आपको ये नहीं पता इसे शक्कर डली है कि नहीं डली, आप शक्कर त्याग कैसे करोगे, टेस्ट करोगे, ध्यान से सुनना, शक्कर में अनंत गुण है, शक्कर में अनंत गुण है, तो आपको दूध पियेंगे आप, दूध पीने पर ध्यान से सुनेंगे आप, दूध पीने पर आपको मिठास का पता लगा, माने एक गुण का पता लगा या पूरी शक्कर का पता लग गया, एक गुण, बाकी गुण कहाँ है, एक गुण पता लग गया, बाकी गुण कहाँ है, फिर मीठा का पता लग गया आपको, सफेदी कहाँ गई, वजन कहाँ गया, चिकनाई कहाँ गई, शक्कर का सुगंध कहाँ गई, बोलो बोलो। अरे पढ़िया समझ ले नहीं हो, मैं एक काम करो, दूध में से केवल मिठास मिठास पी लो, सफेदी छोड़ दो, सुगंध छोड़ दो, वजन छोड़ दो, उसी में तुम्हें तो मीठे चाहिए ना दूध, बोलो। एक काम करो, मुझे 1 करोड़ रुपया तोला शक्कर की मिठास दे दो,
बाकी सारे गुण तुम रखो, बस अंतिम दृष्टांत। बोलो भाई क्या कहा मैंने, मुझे केवल क्या चाहिए, शक्कर की मिठास करना बिजनेस। बोलो 40 रुपए किलो शक्कर में से मिठास मुझे दे दो। रेट क्या बताया मैंने, 1 करोड़ रुपया तोला, और बाकी अनंत गुण तुम रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो मिठास से काम है, आप मिठास मुझे दे दो। दे सकते हो, दे सकते हो? अरे बोलो न, बाकी चक्कर आप रख लो, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो मिठास दे दो बस। अब सुनो ध्यान से, मिठास को शक्कर से जुदा करना असंभव है। जब आप मिठास पी रहे थे उसी समय सफेदी भी पी रहे थे, उसमें सुगंध भी पी रहे थे, उसके सारे के सारे अनंत गुण पी रहे थे आप, तो आपको पता थी ये बात पहले, अपन ने तो सोचा भी नहीं था कभी। आज मालूम पड़ा कि मां का मिठास नहीं पीते, शक्कर के अनंत गुण पी जाते हैं। दूसरी बात, मां से शक्कर की मिठास का अनुभव नहीं करते, हम पूरी शक्कर का अनुभव करते। बच्चा जोर से बोलेगा, क्या बोलोगे, बोलो दूध चक्कर से क्या बोलोगे, अरे मम्मी इसमें मीठा शक्कर है, शक्कर की मिठास है, क्या बोलोगे, बोलो, अरे मम्मी इसे शक्कर कम है, अरे इसे शक्कर ज्यादा है, मिठास ज्यादा है तो आप बोलते शक्कर ज्यादा है, मिठास कम है तो आप बोलते हो शक्कर कम है। इसका क्या मतलब है कि मिठास से आपको शक्कर का ही पता लग रहा है, आपको मिठास से शक्कर का ही अनुभव हो रहा है। बहुत दृष्टांत दे रही, बस मस्त हो जाओ। दो बातें सीखी आज अपन ने, एक तो भगवान को देखो, केवल ज्ञान लेने की विधि बताई आपको, जानने की जिज्ञासा नहीं है तो सब जानने में आता है, नंबर वन। नंबर टू, जहाँ ज्ञान का भेदन हो रहा है, ज्ञान की फीलिंग हो रही है, जहाँ ज्ञान की सत्ता दिख रही है, उसी समय आपको संपूर्ण आत्मा की सत्ता का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा हूँ, इसमें लिखा है, अभी आप पढ़ना आगे, वो आत्मा तुम ही हो, इसे पढ़ना, वो आत्मा तुम ही हो। तो दो बातें बताई, अनुभव करके देखिए आप, आज के बाद टेंशन नहीं करिए। ओम नमः शिवाय।